बढ़िया फोन दे मेरा तो यहाँ पे केतकी रेडियो के आ चुकी थी बाहर। हम लोग देख रहे थे और ये देखिए पार्लर वाली जो मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था वो फोटोज ले रही थी केतकी की, तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये देखिए ये जो ज्वेलरी पहनी है ना ये रियल फूलों की है, तो वही देख रहे थे हम लोग, बहुत महक आ रही थी। तो यहाँ पे चल रहा फोटो सेशन, ये देखिए जो फोटो ले रहे केतकी के भाई है, तो बस वही ले रहे थे हम लोग। और जो फंक्शन था वो नीचे क्लब हाउस में ही था, सोसाइटी में ही नीचे, तो मैंने तो पहली बार देखा था यहाँ का क्लब हाउस क्योंकि फंक्शन ही फर्स्ट टाइम था यहाँ पे। भी जस्ट हम लोग एंटर करेंगे, ये देखिए, और मैं हूँ और मेरा व्लॉग ना लूँ वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए पहुँचते ही फिर यहाँ पे झूला लगा रखा था, यहाँ पे बैठेंगे मोनी और केतकी। तो बच्चे देखिए बड़े क्यूट क्यूट से वो भी बना रखे थे, और ये देखिए केतकी की भाभी, ये केतकी की भतीजी है, पापा हैं। तो बस सब लोग आ चुके थे यहाँ पे, अभी फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे आंटी और वो बैठे हैं सब लोग। चलिए यहाँ पे केतकी आ गई है, तो दिखाते हैं गोदभराई कैसी होती है, यहाँ महाराष्ट्र का कल्चर कैसा होता है। तो जो लोग यहाँ से वो लोग पता होगा, बट हमारे साइड किसी को नहीं पता कि बेबी शावर या फिर गोदभराई होती क्या है। तू इधर आजा, तो ये दोनों हैं केतकी के भैया भाभी के बच्चे। और ये देखिए यश यहाँ पे मांग टीका लगा के आई थी घर से, बट बहुत ही क्यूट लग रही थी वो, बट उसने आते उतार दिया, कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, सूट पहली बार पहना था। यहाँ पे आया मेरा बेटू, तो ये देखिए नूनू कैसा लग रहा जरूर बताना, और यशू का सूट कैसा लगा वो भी बताना, ड्रेस कैसी लगी। तो यशू को ड्रेस ही चाहिए थी बट अनकम्फर्टेबल हो रही थी बहुत ही ज़्यादा। यहाँ आज व्लॉगिंग का मैंने दे रखा था अंजू को हाथ में फ़ोन, तो मैं सोची कि वीडियो बनाते रहे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही थी, मुझे सर दर्द माइग्रेन का है। तो ये देखिए अंजू ही शूट कर रही है आज का व्लॉग, तो काफ़ी हेल्प भी कर दी मेरी। ये देखिए बेबी के होने वाले मोमेंट, डैड हमारे टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था, अभी देखने को मिल रहा है सब कुछ, तो अच्छा भी लग रहा है। तो सबका फोटो सेशन होने के बाद यहाँ स्टार्ट होती है पूजा, तो सब बारी बारी से आएंगे, सबकी टर्न आएगी, सब ऐसे पूजा करेंगे। ये देखिए हम लोग भी करेंगे, अभी आएंगे। यहाँ पे मैं आई हूँ, मैं मम्मी को बता रही हूँ, मैंने कहा मम्मी मैंने बुआ जी को पास खड़ा कर रखा था कि वो उल्टा घुमाना सीधा हो जाए, वो नहीं पता था पूजा करते टाइम, देखो शुभ के काम में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, तो हम लोगों को मन में तो रहता है, तो इसलिए मैंने बुआ जी को खड़ा कर लिया था कि बुआ जी बता देता, बस वही बातें चल रही है हम लोगों की क्योंकि पहले हम लोगों ने करी नहीं है, तो नया ही देखा था।
अभी स्टार्ट होगी गोद भराई की रस्म। ये देखिए जो भी कोई गिफ्ट लाता है वो सब कुछ देता है इसमें। भी मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे उसमें होने के बाद में ये होती है मेन भराई। ये देखिए चावल से ना 5 या 7 बार जितनी बार भी गोद भराई मतलब गोद में डाली जाती है उसमें हाथ में करके एक फूट दिया जाता है, टीका लगाया जाता है। फिर जो भी कोई गिफ्ट आप लोग मतलब साड़ी हो कुछ भी कोई एनवलप दे रहा था कोई कुछ वो सब कुछ गोद में रखना होता है। तो यही होती है असली मेन भराई मतलब मेन गोद भराई की रस्म है। तो देखिए मैं फ्रूट्स भूल गई थी वो भी लेना तो मुझे बोल रही ला के दे, तो मैं मिठाई और फ्रूट्स वही ला के दे रही थी क्योंकि गोद में वही रखने थे। यहाँ पे दोनों बैठे हैं। और ये कुर्ता कैसा लगा मोनिका ज़रूर बताना। आप लोगों ने मैचिंग करी थी केतकी के साड़ी के साथ उस दिन गए थे तब देखा भी होगा आप लोगों ने। यहाँ आई बुआ जी की टर्न तो बुआ जी भी दे रही है देखिए। तो सब देते हैं यार वीडियो थोड़ी बहुत ही बनाई मैंने क्योंकि कितनी बनाती तो बहुत सारे लोग थे तो इसीलिए कमी बनी। क्या कोई अच्छा अच्छा सको जाओ जाओ आती है एक ब्यूटीफुल सा केक कटिंग करने की टर्न। तो ये देखिए केक बड़ा क्यूट सा था ब्यूटीफुल था बड़ा अच्छा लग रहा था और अंजू ने ही लिया था लोग सो गाइस बस मैंने इतना ही व्लॉग लिया था जितना अंदर से शूट हो पाया उतना ही लिया था। मेरी तबीयत यहाँ पे इतनी खराब हो गई थी मैंने बीच में ही फंक्शन छोड़ा और एक गाड़ी लेके हम लोग घर आए सीधा और मेरे लिटरली आंखों से आंसू आ रहे थे और मेरे इतना हेडेक मतलब सर दर्द मैं क्या ही बताऊँ। बस मेरे को बीच में भागना पड़ा। तो ये था आज का फंक्शन।
ये देखिए बस लास्ट थी, यहाँ पे मैं खड़ी हो गई थी, मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, मम्मी बोली बस जाते जाते फोटो खिंचवा जा, तो मैं यहाँ पे भी खड़ी हूँ। ये देखिए आई लव बॉय का लिया शायद मैंने, तो वही तो ये देखिए एक्सप्रेशन से पता नहीं लगेगा बट तबीयत इतनी खराब थी, बस भागे। कौन है ये नोनू, कौन है, कैसा लगा काली यहाँ के? देखिए निकल के हम लोग और पहुंचे यहाँ पे FMC, तो ये देखिए काली के फ्रेंड थे जो अश्वनी के दोस्त थे वो लोग छोड़े हम लोगों ने, अश्वनी साथ गया था हम लोगों के यहाँ पे घर पे, अगले दिन आया था फिर नेक्स्ट डे पे। तो ये देखिए बच्चों को छोड़ना जरूरी हो गया था क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा और टाइम भी हो गया था। तो ये देखिए यहाँ क्या अच्छा लगता है, वीडियो शूट करी मैंने, हल्की सी बस यहीं ली थी बाकी कहीं नहीं ली। कहाँ गए हैं बुआ?